दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाले हैं जी, इस साल जितने भी एससी और एसटी कास्ट जो मैट्रिक में पास हुए हैं उन सबको पैसा मिलना शुरू हो चुका है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है। और अपन जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उसमें आप दोबारा लॉगिन करा करके अपना जो फॉर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक एरर दिखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ साइड में देख सकते हैं, जो भी आपका यूजर आई डी है आपके मोबाइल पर मैसेज पर आया है या नहीं आया है, किसी कारणवश नहीं आया है, यानी आपके मोबाइल में रिचार्ज वगैरह प्रॉब्लम था, किसी कारणवश आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आए और अपना जो यूजर आईडी और पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हैं तो आपको एक एरर दिखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाले हैं कैसे इस एरर को ठीक किया जाए, जैसे कि यूजर नोट फाउंड कैसे करके जो एरर में दिखने को मिल रहा है। तो आप लोग क्या करना होगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना होगा, यहाँ से आपको वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा पोस्ट मैट्रिक, जैसे देख सकते हैं पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, पोस्ट मैट्रिक लॉगिन ऐसे करके आपको सर्च कर देना होगा। जैसे यहाँ सर्च करते हैं उसके बाद यहाँ सबसे फर्स्ट में आपको जो वेबसाइट दिखेगा इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं उसके बाद सक्सेसफुली वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगा, या ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से अपना लॉगिन करके आगे अपना जो फॉर्म को भरा सकते हैं और अपना जो पैसा जो भी पेमेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि हमें जो लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड याद नहीं है या जो मोबाइल पर आया था किसी भी रीजन के कारण डिलीट हो चुका है या मोबाइल पर रिसीव ही नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ फॉरगेट यूजर आईडी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ फॉरगेट यूजर आईडी पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको कुछ अपडेट करना होगा, उसके बाद आपको इसमें अपना आधार नंबर डाल देना है, जो भी आपका आधार नंबर हो डाल दीजिएगा। जैसे कि मैं अपना आधार नंबर यहाँ डाल लेता हूँ। आपको यहाँ आधार नंबर फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे यहाँ इंटर कैप्चा को आपको जैसे कैप्चा दिया गया सेम टू सेम कैपिटल स्मॉल में जो भी दिया गया है सेम टू सेम आपको यहाँ जो फिलअप कर लेना है, जैसे कैप्चा को फिलअप कर देने के बाद आपको यहाँ सेंड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ सेंड पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद देख सकते हैं आपको एरर दिखने को मिल रहा है, यूजर नोट फाउंड, यानी इस आधार कार्ड से जो भी यूजर आईडी यानी बना है वो यूजर अभी फाउंड नहीं मिला है, यानी जो इस नाम का जो भी आधार नंबर से जो भी अप्लाई किया गया था इस डिटेल से आधार नंबर से, तो यूजर आईडी नोट फाउंड यानी इसका यूजर आईडी अभी नहीं बना है, अभी यूजर आईडी इसका तैयार नहीं हुआ है। अब बहुत सारे बंदे को धीरे धीरे जो यूजर आईडी आने लगता है लेकिन एक ही साथ सबका जो यूजर आईडी नहीं जा पाता है या किसी कारणवश सबका यूजर आईडी नहीं बन पाता है, इसी के वजह से आपको एरर दिखने को मिल रहा है यूजर नोट फाउंड। लेकिन आपको क्या करना होगा, इसका अभी टाइम है, ठीक है, इसको आपको दोबारा तीसरा आपको रिपीट करते रहना है, कम से कम एक दो दिन के बाद आपको फिर से आपको यहीं इसी पेज पर आकर आपको फिर से यहाँ फॉरगेट करते रहना है। उसके बाद आपको जो अगर आपका आधार कार्ड से जब आपका आईडी बन जाए तो ऑटोमेटिकली आपके जो मोबाइल पर मैसेज मिल जाएगा, या नहीं मिलेगा तो फिर से आपको आके यहीं वेबसाइट से अपना जो फॉरगेट कर पाएंगे यूजर आईडी और पासवर्ड। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आपको यूजर आईडी मिल जाने के बाद आपको फिर से आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ से भी अपना जो पासवर्ड को फॉरगेट कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो यूजर आईडी तो अभी आपका तैयार नहीं हुआ है इसी को वजह से यूजर नोट फाउंड लिख रहा है, आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, या आपको जो बात करना है तो आप यहाँ नीचे नंबर दिया है आपको हेल्प डेस्क, इस नंबर पर कॉल करके भी आप अपना जानकारी ले सकते हैं, बात कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके मन में कोई भी डाउट है कुछ पूछना है तो जरूर कमेंट करें, उसका तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वेरी मच।